तो अब तो मोदी जी जाने अनजाने कह तो रहे ना कि लालू प्रसाद को निरपराध थे, उनको हम सब उन्होंने मिलकर फंसाया। अब किसका सहयोग लिए होंगे, किसका सहयोग नहीं लिए होंगे, अब उनका विषय है। लेकिन उनका कथन का पूरी बात क्या है? लालू जी निर्दोष थे, हम लोगों ने उनको फंसाया, उसमें कौन अगुआ था, कौन कागज दिया, कौन पत्र दिया, नहीं दिया, उसकी हम व्याख्या में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतना है कि लालू प्रसाद को दिल से लोग निर्दोष मानते हैं, तो कम से कम इस हद तक उन्हें इंसानियत शायद बची। लालू प्रसाद यादव की सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है और अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि नीतीश कुमार ने ही जिस तरीके से कागज निकलवाया और उस पर जांच हुई, उसके बाद ही लालू प्रसाद यादव के ऊपर कार्रवाई हुई, इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं, ललन सिंह दोषी हैं, ये भाजपा कह रही है। यही सवाल आज राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के बेहद खास नेता जगदानंद सिंह से जब हमने ये सवाल पूछा कि आखिरकार जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कागज निकलवाया है और फंसाया है, ये बात कह रहे हैं, तो सीधे तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, लेकिन कौन है, किसने कागज निकाला, किसने पहले पेश किया, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात को कह रही है, तो ये तो वो मानती है ना कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, लालू प्रसाद यादव निर्दोष हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस पूरे बयान को लेकर, सुनिए। उनकी सेवा लगी, ये कैसा इसको देखते हैं, क्या तक देश देख रहा है कि एक सर्विस कंडीशंस जो अब तक रहा है इस देश के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय देख कर उसको एक फैसला कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, उसके मुताबिक देश को चलाओ, अपने ही विधान बनाए हुए देश के संविधान को तोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये टूट कहाँ तक जाएगी कोई ठिकाना नहीं। जब एक रिटायरमेंट का एज है और किसी संस्था में रिटायरमेंट के बाद भी आप एक खास उम्र तक ही काम कर सकते हैं, तो कौन सा सुख आपका पर लगा है उनके ऊपर? सेवा एक कि कठपुतली भारत सरकार को चाहिए, ताकि वो लोग जो कहें उसको अरेस्ट कर लो, जांच में उसको दोषी ठहरा दो, जेल के भीतर डाल दो, उनके रास्ते को निष्कंटक बना दो, इस लोकतंत्र को समाप्त करने में जितने भी अवरोधक तत्व तो हैं उनके जैसे मिश्रा जी को जगह जगह रखा गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी लगातार कह रही है और आप लोग जिस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मगर बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के अभी जो मौजूदा हालात हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण है। जितना भी चारे घोटाले का अगर फाइल हो तो वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलवाया था। उनके विश्लेषण से कहां हम लोग उस बहस में जा रहे हैं, उनका अपना एक विश्लेषण है, उस विश्लेषण से हम लोग असहमत होते हैं भी इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पहले जो बातें सुशील मोदी भी कहते आए हैं कि ललन सिंह ने फाइल दिया था, इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसको अब मोदी जी देखें कि कैसे वो देख रहे हैं, अर्थात वो अपने को अपराधी मान रहे हैं। कौन अपराधी है उसको अपने से दूर करके कैसे किसी के माथे पे डाल दिया जाए? तो अब तो मोदी जी जाने अनजाने कह तो रहे ना कि लालू प्रसाद को निरपराध थे, उनको हम सब उन्होंने मिलकर फंसाया। अब किसका सहयोग लिए होंगे, किसका सहयोग नहीं लिए होंगे, अब उनका विषय है। लेकिन उनका कथन का पूरी बात क्या है? लालू जी निर्दोष थे, हम लोगों ने उनको फंसाया, उसमें कौन अगुआ था, कौन कागज दिया, कौन पत्र दिया, नहीं दिया, उसकी हम व्याख्या में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतना है कि लालू प्रसाद को दिल से लोग निर्दोष मानते हैं, तो कम से कम इस हद तक उन्हें इंसानियत शायद बची। ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं और हवाला दे रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट।
बैडमिंटन खेलना है तो उन लोग क्या परेशानी है, हर आदमी व्यायाम करता है, बताया जाता है कि देश के लोगों को कि हमारा योग व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वो कोई मैच नहीं खेलते हैं, 2 मिनट 10 मिनट थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना डॉक्टर कहता है उतने ही देर अपने एक्सरसाइज एक तरह से है उनकी। अब ये हमको नहीं होता है कि वो चिंतित क्यों है। लालू जी यदि स्वस्थ हैं तो उनको अस्वस्थ करने की क्यों उनको चिंता बनी हुई है। जेल में भी लोग रखे थे तो उन्होंने भी तो अस्पताल ले गए थे। और ये जो हमारा समाज है जब थोड़ा सा शरीर ठीक हुआ तो उसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो डॉक्टरों ने कहा है उस काम को कर रहे हैं। इसको क्या चिंता की मुझे हम के लिए क्या चाहते हैं जो बता दें एक साथ। वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का बेल जो है वो कैंसिल हो, तो उसके लिए प्रयास करते ही रहते हैं लेकिन उनके इस प्रयास से कोई बहुत सफलता उनको नहीं मिलने वाली। ये लालू जी को तो परेशान छानबीन से कर रहे हैं, क्या कर लिए। हो सकता है कि हम लोग को इस रूप में परेशानी हो कि नेतृत्व तो हमारा सामने खड़ा नहीं होता है। जब प्रतियोगिता जिसको हम चुनाव कहते हैं तो राजनीतिक प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए अपने किसी बड़े प्रतिद्वंदी को जेल के भीतर बंद रखा जाए ये तो लोकतंत्र का सही पहचान नहीं है। उनको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, इतना ही जानते हैं जेलों के भीतर बंद कर दो, बीमार कर दो, कैसे उनको हम जनता से अलग करते हैं क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। हाँ जनता जिसको मानती है जो कमजोर गरीब अनाथ असहाय लोगों का नेतृत्व करता है उसको और असहाय और भी उनको परेशानी उनके नेताओं को विभिन्न तरह से प्रताड़ित करके एक तरह से आम जनता को दंडित कर रहे हैं। आम जनता को उनको नेतृत्व करने वाला उनके सामने ना रहे ताकि उसकी झूठ गलत प्रपगंडा अनेक तरह की समस्या इधर से उधर कर करके अपने को बनाए रखना चाहते हैं कुर्सी पर बैठ करके इस देश को बेकार खंडित करने का। अभी बोलो इंडिया से क्या परेशानी इनको, अब तक तो कहते थे इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया के लोग जब इंडिया का झंडा लेकर के आगे बढ़ गए तब इनको क्या परेशानी है। लोकप्रियता इनकी कोई नहीं है, लोकप्रिय नेताओं को कैसे समाप्त कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, इसी के लिए उनके प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है इनको, इन दंगाइयों उन्वादियों को देश समझ चुका है और इनके भुलावे में अब कोई आने वाला नहीं है। इसलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस देश की परेशानी से मुक्ति दिलाने के अभियान में लालू प्रसाद जैसे लोगों को ये कितना हो लोगों से अलग करना चाहें लेकिन लालू प्रसाद जी को मैं पहले भी कहता रहा हूँ तुम जेल के अंदर बंद कर सकते हो लेकिन लालू प्रसाद तो दिलो दिमाग में जा चुके हैं, वहाँ क्या कर लोगे। इसलिए घबराए मत, उनकी विदाई का समय आ चुका है। नहीं, सर